कंपनी में आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग एंड स्पेसिफिकेशन देखेंगे माइक्रोमैक्स का, जो न्यू लॉन्च हुआ है माइक्रोमैक्स इग्निट का लैपटॉप। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो ये क्या इसका एक्चुअल प्राइस था 18,000 अराउंड उसके पास था, तो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। आप देख सकते हैं खुद फ्लिपकार्ट से लिया था, उसका 10% डिस्काउंट करके मैंने 14,000 अराउंड लिया था। तो ये जून 2016 को लॉन्च हुआ है और माइक्रोमैक्स ने माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के साथ कोलाबरेट करके इसको लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स कुछ इस तरह आता है और फ्रंट लुकिंग कुछ इस तरह है, और यहाँ पे इंटेल पेंटम का प्रोसेसर दिया गया है, तो इसलिए है विंडोज 10 इसमें प्री इंस्टॉल है। तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे का जो स्पेसिफिकेशन है इसमें क्या क्या है। इसका मॉडल नंबर है LPQ6408W और प्रोसेसर दिया गया इंटेल पेंटम प्रोसेसर, ठीक है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 बेसिक्स, और डिस्प्ले दिया गया है 14 इंची डिस्प्ले, वो भी 3066x768, मतलब फुल एचडी नहीं है। और रैम जो दिया गया है इस प्राइस में काफ़ी अच्छा है, 4GB LPDDR3, मतलब जो DDR3 रैम है तो इसमें दिया गया है 4GB। और स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 1 TB का हार्ड डिस्क है इसमें, और ऑडियो डुअल स्पीकर दिया गया है। अब जब खोलूँगा तो आप लोग भी खुद देख सकते हैं। और इसका इनपुट जो 88 कीवर्ड्स विथ ट्रैक पैड के साथ, जो कीबोर्ड्स का जो मतलब कोई आसानी से आप काम कर सकते थे, इसमें अलग तरीके से कीबोर्ड लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जो कैमरा दिया गया है ये 1 MP डिजिटल कैमरा दिया गया है, और इसमें से आप स्काइप में या फिर फेसबुक में बात कर सकते हैं लाइव। और बैटरी जो 4500 mAh का बैटरी दिया गया है। और पोर्ट्स की अगर बात करें तो इसमें USB 3.0 2 दिया, मतलब 2 पोर्ट है यूएसबी का 3.0, और एक हेडफोन आउटपुट जाएगा, और माइक्रो एसडी कार्ड अलग से दिया गया है, अलग से माइक्रो एसडी स्लॉट दिया गया है। और इनबिल्ट का कनेक्टिविटी की बात करो तो इनबिल्ट वाईफाई है, ब्लूटूथ है, और RJ45 जाएगा, तो इसमें लिखा नहीं है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कब लॉन्च हुआ है और कैसा कैसा है, ऐसे कुछ दिया है। इसका वेट है 2.16 kg टोटल लेके, और इसका मैन्युफैक्चर है जून 16 को 2016 को। तो चलिए दोस्तों, इसका अंदर क्या है देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, इसका बॉक्स का अंदर का में क्या क्या है देख लेते हैं आप। तो पहले तो यूज़र गाइड दिया गया है किस तरह से यूज करना है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है किस तरह से यूज करना है इसको, तो ठीक है इसको रख देते हैं। और उसके बाद वारंटी कार्ड दिया गया है, इसमें 1 ईयर का वारंटी है। तो उसके बाद लैपटॉप कुछ इस तरह दिखता है, और लैपटॉप है इसमें, और है जो एक्सेसरी सामान दिया गया है वो है। तो एक्सेसरी सामान क्या क्या देख लेते हैं। एक्सेसरी सामान की बात करें तो इसमें शायद चार्जर ऐसा कुछ होगा, सिर्फ चार्जर ही है और कुछ नहीं है दोस्तों, देख ले सिर्फ चार्जर ही है। और चार्जर का जो रेटिंग दिया गया 12 वोल्ट और 2.0 एम्पियर का चार्जर है, ठीक है। और चार्जर को सेट कर लेते हैं। और लुकिंग कुछ इस तरह आता है, यह है फ्रंट का लुक, माइक्रोमैक्स का लोगो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, माइक्रोमैक्स का लोगो क्लियर दिख रहा है। और पीछे के अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे एक चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, उसके बाद RJ45 का जैक जिसमें आप लैन लगा के नेट यूज कर सकते हैं, उसके बाद 2 USB 3.0, 2.0 नहीं है दोस्तों, ये 3.0 का है, मतलब ये फास्ट क्विक फास्ट जो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद मिनी HDMI पोर्ट, नॉर्मल HDMI पोर्ट नहीं है, मिनी HDMI पोर्ट। उसके बाद एक आउटपुट 3.5 mm जैक दिया गया, उसके बाद एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट डेडिकेटेड से दिया गया। और राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में एक रिसेट का बटन है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और पीछे अगर देखे तो पीछे पीछे अगर देखे तो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में एक स्पीकर है और राइट साइड में भी एक स्पीकर दिया गया है, ठीक है। लेफ्ट साइड में भी एक स्पीकर है और राइट साइड में भी एक स्पीकर दिया गया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्पीकर दिखा रही है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसका पार्ट नंबर क्या है और कहाँ तैयार क्या हुआ है, किसने माइक्रोमैक्स का खुद का बनाया हुआ है, ऐसे कुछ करके आ रहा है। तो दोस्तों, वो फ्रंट का लुकिंग कुछ ऐसा है, इंटेल पेंटम का प्रोसेसर है, और जो इसका जो मतलब रेटिंग है प्रोसेसर का 1.6 GB है टर्बो बूस्ट के साथ, मतलब आप इसी प्राइस में काफ़ी अच्छे से आप सब कुछ कर सकते हैं। और इसमें जो ट्रैक पैड दिया गया है बहुत ही स्मूथ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड माउस का जो ट्रैक पैड दिया गया है,
और यहाँ पे जो पार्ट नंबर है और सारी इन्फॉर्मेशन, विंडोज 10 HDMI ऐसे करके सब इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और इसका जो प्रोसेसर है 64 बिट प्रोसेसर है 1.6 GB टर्बो बूस्ट के साथ। और इंटेल पेंटम का जो इनसाइड जो इंटेल पेंटम का जो प्रोसेसर है ये, मगर इसका जो स्पीड है स्पीड कम कर सकते हैं, कम मतलब वो जो 14,405,000 को जो बैटरी दिया गया है इसमें बैटरी के साथ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसका जो कैचिंग पावर है बहुत ही फास्ट है और बैटरी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चले दोस्तों कुछ इस तरह दिखता है पैड।